पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोभिजायते। ध्यानात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे अन्येतेवम् अजानन्त श्रुत्वाने श्रुत्वाने भ उपासते ते अपि चाति तरन्नेव मृत्युं श्रुति परायण। तो 20 से 26 भी श्लोक तक अर्जुन के प्रश्न का जो चार विषयों का भगवान ने वर्णन कर चुके हैं और प्रकृति और पुरुष ये दोनों विषय में 20 से 26 भी श्लोक तक भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 20, 21, 22 और 24 ये चार श्लोकों में 20, 21, 22 और 24 जीव आत्मा के संबंध में बता रहे हैं, ठीक है। और 23 भी श्लोक में भगवान परमात्मा के विषय में बताया, 20, 21, 22 और 24 जीवात्मा के विषय में। फिर 23वें श्लोक में भगवान परमात्मा भगवान के संबंध में बताया। और यह भी कहा 23वें श्लोक में कि इन दोनों में पारस्परिक संबंध क्या है, जीवात्मा और परमात्मा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तव में जीव भगवान के दिव्य शाश्वत विभिन्न अंश है, परंतु जीवों के भोग प्रवृत्ति के कारण वे भौतिक प्रकृति में आबद्ध हो गए, बंध गए। जीव भगवान के अंश है, शाश्वत विभिन्न अंश। यद्यपि जीव आत्मा भगवान के सुपीरियर एनर्जी उत्कृष्ट शक्ति अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुआ है, उत्कृष्ट शक्ति से ही जीवात्मा का, गीता में भगवान ने यह बात बताया, अपरेयमितस्तेनं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूत महाबाहो जयदं धार्यते जगत। जीवात्मा भगवान के उत्कृष्ट शक्ति से उत्पन्न हुआ है, सुपीरियर एनर्जी से, परंतु भगवान के इन्फीरियर एनर्जी निकृष्ट शक्ति के अधीन बन गया। ठीक है, जीवात्मा भगवान के शक्ति है, इसको तटस्था शक्ति कहा गया है, और ये उत्कृष्ट शक्ति से उत्पन्न हुई है। उत्कृष्ट और निकृष्ट शक्ति, भौतिक प्रकृति को निकृष्ट शक्ति कहा गया, इन्फीरियर एनर्जी, और सुपीरियर एनर्जी जो है अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, भौतिक प्रकृति इन्फीरियर, और सुपीरियर है अंतरंग शक्ति जिसे उत्कृष्ट शक्ति कहा गया। इस उत्कृष्ट शक्ति से जीवात्मा उत्पन्न हुए, भगवान ने एक्सपेंड किया, विस्तार किया। अब उत्कृष्ट शक्ति के से उत्पन्न होकर ये निकृष्ट शक्ति के अधीन कैसे हो गए, इसके लिए हमें चिंतित होने की आवश्यक नहीं है,
श्रील प्रभुपाद जी यह कहते हैं, हम निकृष्ट शक्ति के अधीन कैसे बन गए इस विषय में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारे लिए आवश्यक यह है हम इस निकृष्ट शक्ति के बंधन से कैसे मुक्त हो पाएंगे, इस विषय में हमें सोचना चाहिए। कैसे हम निकृष्ट शक्ति के अधीन हो गए इस विषय में हमें चिंतित होने की आवश्यक नहीं है। प्रभुपाद के उदाहरण, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, किसी के घर में आग लग गया, अब हमारा पहला कर्तव्य क्या होगा, आग को निभाना होगा, है ना, आग को बुझाना चाहिए, आग को शांत करना चाहिए, न कि यह इन्वेस्टिगेशन में लग जाना चाहिए कि आग किसने लगाया, क्यों लगाया, यह बेवकूफी होगा। घर जलकर राख हो रहा है और अगर व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन में लग गए, यह उनका बेवकूफी होगा। पहला कर्तव्य होगा कि आग को पहले शांत किया जाए। ठीक उसी प्रकार हम उत्कृष्ट शक्ति के शक्ति से उत्पन्न होकर निकृष्ट शक्ति के अधीन कैसे बन गए, भौतिक प्रकृति के बंधन में कैसे बंध गए, यह जानने के लिए हमें चिंतित होने की आवश्यक नहीं है। हमें चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे हम इसके बंधन से मुक्त हो पाए, इस विषय अधिक महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्य ने यह प्रश्न पूछे थे कि प्रभुपाद जी, जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति से उत्पन्न हुए पर वे निकृष्ट शक्ति के अधीन कैसे बन गए, क्या कारण। एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजल्स में प्रातः भ्रमण के समय जब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उस समय उनको यह प्रश्न पूछा गया था। उनके साथ ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज और कोई शिष्य थे। प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी महाराज से कहा, सी बीच में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो उस समय समुद्र की लहरी, जैसे समुद्र की लहरी आती है ना, और जैसे लहरी आती है बहुत से सामुद्रिक जीव लहरी से जल के आते हैं, और लहरी के जल जैसे समुद्र की ओर चला जाता है तो वह जीव भी भागते हुए फिर से जल में प्रवेश करता है, जल हट जाता है और वो फिर रेंगते हुए जल में प्रवेश कर जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी महाराज से कहा, जैसे वो लहरी आए तो आप लोगों को केकड़ा समझते हैं, केकड़ा, सामुद्रिक केकड़ा, वो समुद्र के लहरी से बाहर आई थी और जैसे लहरी की जल समुद्र में चले गए तो वो केकड़ा भागते हुए ऐसे जल की ओर भाग रहे थे। और उस समय प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद महाराज से कहा, ब्रह्मानंद जाओ उसे पकड़ो। ब्रह्मानंद महाराज भागते हुए उस केकड़ा को पकड़ने गया, पर जब तक वो गए तब तक वो केकड़ा जल में प्रवेश कर घुस गए और ट्राई किया उसको पकड़ने के लिए, पर पकड़ नहीं सके। बहुत प्रयास किए ब्रह्मानंद महाराज उस केकड़ा को पकड़ने के लिए, पर वो जल में तब तक प्रवेश कर चुका था, तो इसलिए वो उस केकड़ा को पकड़ नहीं सका। और गुरु का आदेश है उसको पकड़ना, वो प्रयास तो कर रहा था, अब जब असफल हो गए तो सिर झुकाकर वापस आए। प्रभुपाद जी ने कहा, क्या हुआ, पकड़ सके। ब्रह्मानंद स्वामी महाराज ने कहा, कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर खड़े रहे।
प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, इतने दिमाग है, इतने शक्ति है, एक छोटा सा केकड़ा को पकड़ नहीं सके, क्यों क्यों पकड़ नहीं सके? तुम्हारे तुलना में केकड़ा तो बहुत क्षुद्र जीव है। ब्रह्मानंद महाराज की हेल्थ बॉडी ऐसे थी जैसे ही जल्दी जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज के, उससे भी और बहुत और थोड़ा भारी शरीर और लंबे और हेल्दी। तो प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर, इतना बुद्धि, इतना दिमाग है हाँ, और तुम्हें एक छोटे से कंकड़ा को पकड़ नहीं सके, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने समझाया, क्योंकि वो केकड़ा यद्यपि तुमसे छोटा है, पर वो तुमसे भी शक्तिशाली व्यक्ति के आश्रय में चला गया। वो केकड़ा तुमसे भी शक्तिशाली व्यक्ति के आश्रय में चला गया, आश्रय ले लिया। वो शक्तिशाली कौन है? समुद्र। समुद्र तुमसे भी शक्तिशाली है, तुमसे भी विशाल है, तुमसे भी बहुत बड़ा असीम है। ऐसे व्यक्ति के आश्रय में चले जाने के कारण तुम उसे पकड़ नहीं सका। वही केकड़ा अगर छोटा क्षुद्र जलाशय में आश्रय लेता, एक गड्ढे के जल में, छोटा सा गड्ढे के जल में अगर आश्रय लेता तो तुम पकड़ लेते, पर उसने आश्रय लिया समुद्र में जो विशाल है, असीम है। ठीक उसी प्रकार यदि जीवात्मा कृष्ण का आश्रय लेगा, कृष्ण के आश्रय में रहेगा, तो माया उसे नहीं पकड़ सकते, माया उसे नहीं पकड़ सकती, निकृष्ट प्रकृति, भौतिक प्रकृति उसको नहीं पकड़ पाएंगे। पर जैसे ही जीवात्मा कृष्ण का आश्रय छोड़ देता है तो माया उसे पकड़ लेती है। तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण से प्रभुपाद ने इसको समझा दिया, इतने सुंदर ढंग से। जो उनको पूछा गया था कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति से उत्पन्न होने पर भी ये निकृष्ट शक्ति के अधीन कैसे बन गया, उसके बस में कैसे आ गया, इसका कारण यह है कि वो कृष्ण का आश्रय को छोड़ दिए। जिस कारण कृष्ण के आश्रय छोड़ने के कारण वो माया के द्वारा बंध गए, माया उसे पकड़ लिए। शास्त्र यही कहते हैं, कृष्ण भूली यही जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जैसे जीवात्मा श्री कृष्ण को विस्मृत होकर भोग इच्छा करता है, भोगना चाहता है, स्वतंत्र रूप से भोगना चाहता है, तब भौतिक प्रकृति उसे पकड़ लेती है। और इस प्रकार कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अनादिकाल से श्री कृष्ण से बहिर्मुख रहकर विस्मृत होकर, अनादि बहिर्मुख अतए माया तारे दय संसार आदि दुख, इसीलिए भौतिक प्रकृति में बंध गए और वो संसार आदि दुख भोग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यद्यपि जीवात्मा भगवान की उत्कृष्ट शक्ति से उत्पन्न, पर वे कैसे इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आए, इसके लिए हमें चिंतित होने की आवश्यक नहीं है। परंतु परम पुरुषोत्तम भगवान यह जानते हैं कि जीवात्मा कैसे है और क्यों बहिरंग भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में, नियंत्रण में कैसे और क्यों आ गए, यह कृष्ण जानते हैं। जीवात्मा यह विस्मृत हो गए। जीवात्मा और भगवान दोनों ही अव्यय और दिव्य
शाश्वत है, दोनों ही शाश्वत है, जीवात्मा और परम भगवान परमात्मा। भौतिक प्रकृति केवल विकार प्राप्त होता है, जीवात्मा और भगवान में कोई विकार नहीं होता। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है आत्मा जीवात्मा अविकार, इनमें कोई विकार नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, शाश्वत अव्यय। तो जीव और भगवान में कोई विकार नहीं होता है, विकार उत्पन्न होता है प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में। ये जो भौतिक शरीर है ये भौतिक प्रकृति के तत्व से निर्मित है, और प्रकृति की विशेषता है विकार होना। तो शरीर में विकार उत्पन्न होता है पर आत्मा में नहीं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर अज्ञान के कारण शरीर के परिवर्तन को जीवात्मा अपना परिवर्तन समझ लेता है। मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान हूं, मैं बच्चा हूं, ये जो शरीर के परिवर्तन को स्वयं का परिवर्तन समझ रहा है ना, यह है जीवात्मा की अज्ञानता। यह अज्ञान कैसे बने, प्रकृति के नियंत्रण में आने के कारण। तीसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विद्न विचलयेत। इसमें भगवान समझा रहे हैं प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़, प्रकृति की गुण जीवात्मा को बेवकूफ बना दिया, ऐसे बेवकूफ बना दिया कि वे अपना पहचान भी भूल गए, तो शरीर को ही अपना पहचान कर रहे हैं, और यह स्वाभाविक ही है। प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में जब कोई आ जाता है, भौतिक प्रकृति के गुणों के कंट्रोल में नियंत्रण में जब कोई आ जाएगा वो बेवकूफ बन जाएगा, वो अज्ञान के शिकार बन जाएंगे। इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। निमाई प्रिया माता जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंगत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, मैं वो श्लोक देख रही थी। अच्छा, थर्ड नंबर वाला। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम देखते हैं सामान्य रूप से, जब व्यक्ति किसी वस्तु को, कोई चीजों को कुछ समय तक उपयोग लेता है, अपने व्यवहार में उपयोग लेता है, तो उसके प्रति उनका अटैचमेंट उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होता है ना, उसमें मेरापन भावना आ जाता है, और धीरे 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 वही आसक्ति के कारण वो उससे अपना पहचान करने लगता है। आप लोग कार ड्राइव करते हो तो कार ड्राइविंग करते समय आप इस घटना को देखा होगा, सुना होगा कि एक गाड़ी सामने वाले गाड़ी को जब टच करता है, टक्कर लगाता है, टकराता है, तो सामने वाले गाड़ी की ड्राइवर उतार कर पीछे वाले गाड़ी जो टकराया उसे कहता है मेरे को क्यों ठोका, बोलता है या नहीं, क्या बोलता है, मेरे को क्यों ठोका। अब बताओ उसको ठोका या वो गाड़ी को ठोका,
पर वो बोलता है मेरे को क्यों ठोका। अब देखो कुछ मायना कुछ वर्ष एक गाड़ी को उपयोग लेने से वो गाड़ी से आप अपना पहचान करने लगा, मेरे को क्यों ठोका, यानी वो गाड़ी को अपना स्वरूप मान रहा है। देखिए मेरे को क्यों ठोका, जबकि गाड़ी को टकराया था और वो बोल रहा है मेरे को क्यों ठोका, यानी वो गाड़ी से अपना पहचान कर रहा है। तो कुछ समय के लिए गाड़ी उपयोग लेने से गाड़ी से अपना पहचान करने लगता है जीव, तो अनादिकाल से जन्मों जन्मों से शरीर को उपयोग लेने से शरीर को पहचान क्यों नहीं करेगा, बताओ। सामान्य बात है, किसी व्यक्ति के कभी कभी आधुनिक सभ्यता में क्या है, तथाकथित भ्रष्ट राजनेताओं का पुतला बनाकर उसे आग लगाया जाता है, जलाया जाता है पब्लिक प्लेस में, है ना। उनका जब कोई घिनौनी कार्य जो सामने आ जाता है पब्लिक में, तो पब्लिक जनता क्या करता है, जनता उनका पुतला बनाकर आग जलाता है ना। सुना नहीं सुना? तो उस जब किसी व्यक्ति के पुतला को आग जलाता है तो उस व्यक्ति को क्या फीलिंग होता है, क्या उसको आग जला रहा है क्या, ना उसका बॉडी को ना उसको कुछ भी, फिर उनका एक पुतला को आग लगाया फिर भी वो दुखी होता है कि कितना अटैचमेंट है, सोचो। तो हम अनादिकाल से जन्मों जन्मों से भौतिक शरीर में रह रहे हैं, इसका उपयोग ले रहे हैं, तो शरीर से पहचान करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो जीव आत्मा और भौतिक प्रकृति का जो विकार, इन दोनों में जो संबंध हो, पारस्परिक संबंध हो, जीवात्मा और भौतिक प्रकृति की जो विकार, जो परिवर्तन, भौतिक प्रकृति की परिवर्तन और जीवात्मा में जो पारस्परिक संबंध हो, इस श्लोक में उस बात को व्याख्या किया गया। श्लोक में भगवान यह कह रहे हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि विद्धि अनादि उभावपि, विद्धि नावि अनादि उभावपि, विकारांश्च गुणश्चैव विद्धिं प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, ये दोनों ही अनादि है अविकारी है, सॉरी दोनों ही अनादि है। प्रकृति में विकार होता है पर जीवात्मा में कोई विकार, यहाँ पुरुष शब्द द्वारा जीवात्मा को सूचित किया गया। मैंने पहले कह चुका हूं 20, 21, 22 में जहां पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ वो पुरुष का अर्थ जीवात्मा, पर 23वीं श्लोक में जहां पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ वहां पुरुष का अर्थ परमात्मा भगवान, यह ध्यान रखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 20, 21, 22 और 24 ये चार श्लोक में जहां पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ वह जीवात्मा को सूचित किया गया। प्रकृतिं पुरुषं चैव, प्रकृति तथा पुरुष, यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा, भौतिक प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही अनादि है पर प्रकृति में विकार होता है, जीवों में विकार नहीं होती।
प्रकृति की विकार उसके उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन प्रकृति के कारण ही होता है। प्रकृति की विकार को ये अपना विकार समझ रहा है जीवात्मा अज्ञानता के कारण। प्रकृति के गुण के नियंत्रण में आ जाने के कारण प्रकृति की गुण कार्य कर रही है, वो सोचता है मैं कर रहा हूं, क्योंकि प्रकृति की गुण द्वारा वो पूर्णतया वशीभूत हो चुके हैं। इसीलिए सम्मोहित हो गए। इस सम्मोहन के कारण प्रकृति गुण द्वारा सम्मोहित होने के कारण प्रकृति की कार्यकलाप को, प्रकृति की परिवर्तन को, विकार को ये अपना परिवर्तन समझ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। सुनिए, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। समस्त कारण और कार्यों के परिणामों का हेतु है प्रकृति, और जीव पुरुष जो जीवात्मा इस संसार में जो विविध प्रकार के सुख दुख भोग रहा है उसका कारण जीवात्मा स्वयं है। इसका कारण जीवात्मा अवैध रूप से प्रकृति को भोगना चाहता है, इसी कारण वो सुख और दुख को भोग रहा है। देखिए, जीवात्मा भगवान के अंश है, प्रकृति भगवान के अंश है और भगवान के अधीन है, भगवान की एक शक्ति है जीवात्मा, है ना, जिसको मार्जिनल एनर्जी कहा गया है। अंतरंगा उत्कृष्ट शक्ति से उत्पन्न हुई और ये मार्जिनल यानी के चाहे उत्कृष्ट शक्ति के कंट्रोल में रहना चाहे रह सकते हैं, निकृष्ट शक्ति के कंट्रोल में रहना चाहे रह सकते हैं, तटस्था शक्ति कहा गया। तो जीव भगवान की शक्ति है, शक्ति शक्ति को भोग नहीं सकता, शक्ति को भोगने के लिए शक्तिमान होना चाहिए, और शक्तिमान तो एक ही है, वो है भगवान कृष्ण, बाकी सभी उनके शक्ति है, एनर्जी है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को भोग नहीं सकता। यही जीव आत्मा की गलती है, मिस्टेक है कि ये शक्ति होकर शक्ति को भोगना चाहता है, जो असंभव है। ऐसे असंभव इच्छाओं को प्राप्त करना चाहता है वो, इसीलिए भगवान उनको, भगवान जीवात्मा के लिए ऐसा एक क्षेत्र प्रस्तुत किया, ऐसा एक क्षेत्र निर्माण किया जिस क्षेत्र में वो अपना इच्छा को पूरा कर सके। ऐसे तो भोग नहीं सकता, इसीलिए उनके लिए एक
आर्टिफिशियल क्षेत्र निर्माण किया गया, भगवान ने निर्माण किया, उस स्वरूप में रहकर वो तो भोग नहीं सकता क्योंकि वो भोक्ता है ही नहीं। जीव आत्मा का स्वरूप तो भोक्ता है ही नहीं, पर वो भोगना चाहता है। अब उसकी इच्छा पूरा करने के लिए भगवान को एक अरेंजमेंट करना पड़ा, वो अरेंजमेंट है भौतिक शरीर। प्रकृति के तत्व से निर्माण किया गया एक भौतिक शरीर दिया भगवान उनको है, जहां रहकर वो अपना इच्छा पूरा करे। ठीक है, यह भौतिक शरीर प्राप्ति का यह कारण है। तो वास्तव में तो भोग नहीं सकता, और वो जो भोग रहा है, जिसे वो सुख समझ रहा है, वास्तव में वो दुख है। आप लोग ऊंट देखा है, ऊंट कैमल, कैमल कांटे खाता है, चबाता है ना। जब वो कांटे खाता है तो वो कांटे उनके मुंह में चुभता है और चुभकर खून निकालता है, और वो खून उस कांटे के साथ मिलता है तो उसको टेस्ट लगता है। वास्तव में कांटे का टेस्ट नहीं मिल रहा है उसको, वो अपना खून का ही टेस्ट ले रहा है। वो सोच रहा है कांटे कितना स्वादिष्ट है। एक्चुअली कांटे स्वादिष्ट नहीं है, वो अपना खून ही पी रहा है और उसको वो स्वाद लग रहा है। वो सोच रहा है कि मैं सुख भोग रहा हूं, जबकि वो सुख नहीं है, दुख भोग रहा है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जब भौतिक पदार्थ, प्रकृति के गुण से उत्पन्न भौतिक पदार्थ जब इंद्रियों के संस्पर्श में आता है तो सुख या दुख भोगता है। यह सुख और दुख का अनुभूति उस पदार्थ का नहीं, उस पदार्थ का टेस्ट नहीं है एक्चुअली, वो उनका ही अनुभूति ऐसा है। कैसे समझे इसको, गर्मी में जब पसीना आता है, आप लोगों को आता है पसीना, गर्मी में बॉडी में पसीना आता है ना, और गर्मी के समय जब पसीना आता है और जब हवा लगता है बॉडी में, तो व्यक्ति ही फील करता है आह ये हवा कितनी अच्छी है, उसको शीतलता ठंडा अनुभव होता है, यह हवा कितनी अच्छी है। वास्तविकता यह है वो हवा का टेस्ट नहीं है, उनके शरीर से जो पसीना निकला उसके कारण उसको अच्छा लग रहा है, अनुभूति हो रहा है। समझे, अगर बॉडी में पसीना नहीं होता ना, वो हवा इतना टेस्टी नहीं लगता। नहीं समझ पाए। तो ये जो सुख अनुभव हुआ हवा का, इस सुख का कारण क्या है, पसीना। और पसीना कैसे निकले, कष्ट से या सुख से पसीना निकलता है। तो संसार में व्यक्ति जो सुख भोगता है वास्तव में वो दुख का परिणाम है। समझे, कुछ दुख उठाया उसके परिणाम स्वरूप सुख अनुभव हो रहा है, अब वो सुख अनुभव कर रहे हैं उसका परिणाम होगा दुख उठाना पड़ेगा। पर जीव आत्मा इसको नहीं समझ पा रहा है। तो 21वें श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं, कर्तृत्व। भगवान यहां पर कहते हैं प्रकृति कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। जीवों के सुख तथा दुख के लिए जीव स्वयं जिम्मेदार है। जीवात्मा भगवान की जैसा भोगना चाहता है,
और इस प्रकार वो भौतिक प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहता है, जबकि वो भौतिक प्रकृति शक्ति है, जीवात्मा भी शक्ति है, तो शक्ति शक्ति पर अधिकार नहीं जता सकता। शक्ति पर अधिकार जताने के लिए शक्तिमान होना चाहिए, और शक्तिमान तो एक ही है, वो है कृष्ण। यही अज्ञानता जीवों के दुख का कारण है। तो इस प्रकार जीवात्मा भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा के कारण भौतिक प्रकृति में ये बंध गए। वो जो मैंने बताया, अब उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने आर्टिफिशियली एक क्षेत्र निर्माण किया, ये भौतिक शरीर। तो इस क्षेत्र निर्माण किया और इसका परिणाम दुख भोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और ये सारे कार्य संपन्न हो रहा है भगवान के अनुमोदन से, प्रकृति ये सारे कार्य कर रही है। इसलिए प्रकृति संपूर्ण भौतिक सृष्टि का कारण होने पर भी जीव इस समस्त भौतिक कार्यकलाप का मूल कारण प्रकृति है। मतलब प्रकृति के कारण ही ये सारे कार्यकलाप प्रकृति कर रही है, पर जीवात्मा अपना सुख दुख का अनुभूति का कारण ये स्वयं है। इस संबंध में आगे की श्लोक में भगवान और स्पष्टीकरण करेंगे, 22वीं श्लोक में। पुरुष प्रकृतिस्थो हि मुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष सद असदयनी जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, मैंने कह चुका हूं 20, 21, 22 और 24, यहां पर पुरुष का मतलब जीवात्मा। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, यह जीवात्मा प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संघर्ष सद असदयनी जन्मसु। वास्तविकता यह है, एकमात्र भोक्ता कृष्ण है और जीव उनका अधीन एक शक्ति मात्र है, परंतु प्रकृति माया के वश में आने के कारण, पुरुष प्रकृतिस्थ ही प्रकृति के वश में होने के कारण उनमें मिथ्या अहंकार उत्पन्न हुआ और स्वयं को पुरुष समझ रहा है, भोक्ता समझ रहा है मिथ्या अहंकार के कारण। इस प्रकार इस मिथ्या अहंकार के कारण ये असंभव को संभव करना चाहता है। कौन सी असंभव? क्योंकि जीवात्मा भगवान की अधीन एक शक्ति है और शक्ति होकर शक्ति को भोगना चाहता है, एक असंभव असंभव को संभव करना चाहता है। भुक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति को भोग करना चाहता है और यही उनका बंधन का कारण है, क्योंकि तो भोग नहीं कर सकता। ऐसे भोग प्रवृत्ति लेकर जब भौतिक प्रकृति के गुण के संपर्क में आता है, कारणम गुण संघर्ष, जैसे जैसे भोग प्रवृत्ति होगा, चेतना जिस प्रकार भोग चेतना जिस प्रकार होगा, उस चेतना में जैसे गुणों का संग होगा, जैसे जैसे गुण की संग होगा, संग मतलब
एसोसिएशन, जैसे जैसे गुण की संग होगा वैसे ऐसे उनको शरीर प्राप्त होगा, सद असद योनि जन्म सु। तो यह जीवात्मा अपने स्वयं की प्रयास से जन्म मृत्यु के चक्र में बंध गए, अपने प्रयास से वो बंध गए, वो स्वयं प्रयास किया बंधने की, बंध जाने के लिए स्वयं। इस प्रकार प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से जीव चेतन होने पर भी ये जड़वत हो गए, अविकारी होते हुए भी स्वयं को विकारी समझने लगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे होने पर भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का शिकार बन रहा है। जब शरीर में विकार आता है उसको स्वयं का विकार समझ रहा है, हैं? मैं बुढ़ा हो गया, अरे आत्मा बुढ़ा कैसे हो सकता है, मैं जवान हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं तरुण हूं, हैं? ये जो भाव प्रकृति की विकार को वे अपना विकार समझ रहे हैं। अब 23वीं श्लोक में जब पुरुष की शब्द का प्रयोग हुआ, पुरुष शब्द या पुरुष का अर्थ परमात्मा भगवान, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्नोति चापुक्तो देहस्मिन् पुरुष पर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो इस शरीर में एक और पुरुष है, एक पुरुष है जीवात्मा, जबकि वो वास्तव में पुरुष नहीं, पर मिथ्या अहंकार के कारण वो स्वयं को पुरुष समझ रहा है। एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, और सब प्रकृति है। सब प्रकृति है, पर मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा स्वयं को पुरुष समझ रहा है। जो भी, तो इस शरीर में एक और पुरुष है जो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर एवं उनको परमात्मा कहा जाता है अंतर्यामी। तो इस श्लोक में भगवान जीवात्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंध को वर्णन किया। पिछले श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि जीव भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा के कारण प्रकृति के गुण के वश में आ गए, वशीभूत हो गए, और प्रकृति के गुण के वशीभूत होने के कारण जैसे जैसे गुणों का संग होता है उसी प्रकार उनको शरीर प्राप्त हो रहा है। सद असद योनि जो प्राप्त हो रहा है इसका कारण प्रकृति की गुणों का संग, क्योंकि जीवात्मा, मैं पिछले श्लोक के बारे में थोड़ा इसको लिंक कर रहा हूं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने यह कहा कि प्रकृति को भोगने की इच्छा के कारण ही जीवात्मा भौतिक प्रकृति के बंधन में बंध गए। एक असंभव को संभव करना चाहता है, ठीक, और जैसे ही प्रकृति की गुण के संपर्क में आता है जीवात्मा उसके अनुरूप वो आचरण करता है,
और विवश होकर उनको आचरण करना पड़ता है, क्योंकि वह प्रकृति के गुण के नियंत्रण में होता है। पर जीवात्मा सोचता है कि मैं ये विचार, ये जो व्यवहार मैं कर रहा हूं, जो बर्ताव कर रहा हूं, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। यही जीवात्मा का अज्ञानता है। जीवात्मा की यह अज्ञानता है कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूं ये मेरा स्वतंत्र विचार है। नहीं, मेरे व्यवहार ये प्रकृति की गुण से हो रही है और मैं विवश होकर ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। जिस गुण का प्रभाव होगा मेरी व्यवहार वैसा ही होगा। मानो रास्ते में एक पत्थर के टुकड़े पड़ा है, जो व्यक्ति तमोगुण द्वारा प्रभावित होगा वो उस पत्थर की टुकड़ा को दिखेगा तो उस पत्थर को उपयोग एक प्रकार से करेगा। रजोगुण द्वारा प्रभावित व्यक्ति पत्थर वही टुकड़ा वही पत्थर को दिखेगा, उसका उपयोग दूसरे प्रकार से करेगा। सत्वगुण द्वारा प्रभावित व्यक्ति अलग प्रकार से करेगा। यदि व्यक्ति में सत्वगुण का प्रभाव हो तो वह पत्थर के टुकड़े को देखेंगे और विचार करेंगे कि ये पत्थर की टुकड़ा बहुत अच्छा है, मैं इसे ले जाऊं और इसको अपने में स्टडी टेबल में पेपर वेट के रूप में यूज लूं, इसका उपयोग करूं। इस प्रकार के विचार करेगा स्वतगुणी व्यक्ति। तो उनका यह व्यवहार ये उनका नहीं, ये प्रकृति की गुण का है। स्वतगुण के कारण ऐसा व्यवहार वो कर रहा है, पर वो सोच रहा है ये मेरा स्वतंत्र विचार है। रजोगुण द्वारा प्रभावित व्यक्ति वही पत्थर की टुकड़ा को देखेगा और सोचेगा आह ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, इस पत्थर से मैं अपना खुजली मिटा सकता हूं। बहुत हाँ, खुजली मिटाने के लिए पत्थर के टुकड़ा बहुत अच्छा काम में आएगा। देखो पत्थर की टुकड़ा वही है, पर ये अलग सोच रही है वो अलग सोच रही है। जीवात्मा भी तो एक ही है, भगवान का अंश है। अब जो तमोगुण द्वारा प्रभावित होगा वो भी वही पत्थर की टुकड़ा देखेंगे और वो विचार करेंगे इस पत्थर की टुकड़ा से मैं किसी के सिर फोड़ सकता हूं, किसी के सिर फोड़ने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। तो ये जो व्यक्ति अलग अलग व्यवहार ये प्रकृति के गुण के कारण होता है। जैसे उनके गुण उनमें जैसे जिस प्रकार गुण का प्रभाव होगा उनका आचरण ऐसा ही होगा, व्यवहार आचरण ऐसा ही होगा, क्योंकि यह व्यवहार आचरण प्रकृति कर रही है। इसलिए भगवान ने कहा ना, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति गुण, इसका कारण कार्य कारण का कर्तृत्व करने वाला कर्तृत्व कौन है, कर्ता कौन है, प्रकृति। पर मिथ्या अहंकार के कारण जीवात्मा सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं। अब 23वें श्लोक में भगवान यह बता रहे जीवात्मा का यह व्यवहार यह आचरण प्रकृति के गुण के वश में होकर मिथ्या अहंकार में द्वारा वो ऐसा कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस शरीर में एक और पुरुष है, वो है परमात्मा अंतर्यामी। ये उपद्रष्टा के रूप में, अनुमंता के रूप में, भर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में और महेश्वर के रूप में इसी शरीर में विराजमान है। तो ये जो
जिस पुरुष का बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, मतलब ये स्वयं के बारे में कह रहे हैं। भगवान भी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रत्येक भौतिक शरीर में, जीवों के शरीर में विराजमान है। जीवात्मा भगवान की जैसा इच्छा तो कर सकता है, पर उस इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता जब तक भगवान का अनुमोदन न हो। वे भगवान के अंश होने के कारण जीवात्मा भगवान की जैसी इच्छा तो कर सकता है, पर इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान का अनुमोदन आवश्यक है। प्रत्येक जीव भगवान के शाश्वत विभिन्न अंश और एक दूसरे से एक घनिष्ठ संबंध भी है, परंतु जीवों में भगवान के प्रति जीवों में भगवान के प्रति भगवान का प्रेरणा, निर्देश, अनुमोदन, त्याग करने का, विरोध करने का प्रवृत्ति है जीव में, और वही प्रवृत्ति के कारण वे भगवान से अलग होकर स्वतंत्र रूप से ये भौतिक प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहता है। इस प्रवृत्ति के कारण जेहेतु जीवों में इस प्रवणता है, प्रवृत्ति है, इसीलिए जीव को इसीलिए शास्त्र में जीवात्मा को तटस्था शक्ति कहा गया। ये चाहे भगवान की निर्देश को स्वीकार करना चाहे कर सकता है, भगवान के निर्देश को अस्वीकार करना चाहे कर सकता है, यह स्वतंत्रता भगवान उसको दिए हैं। कभी कभी भक्त कंफ्यूज होता है, शास्त्र में कहीं जीव को स्वतंत्र कहा गया, कहीं अधीन कहा गया। जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, ऐसा शब्द शास्त्र में पाया जाता है। ये स्वतंत्रता कौन सी स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता भगवान जीवों को प्राप्त हुआ भगवान से, वो स्वतंत्रता क्या है कि वो चुन सकता है कि वो भगवान के निर्देश को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इसमें उनको स्वतंत्रता दी गई। पर चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, दोनों स्थिति में वो भगवान के नियंत्रण में होंगे। इस बात को समझना जरूरी है। भगवान के निर्देश को वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, इसमें उनको स्वतंत्रता दी गई। पर चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, दोनों स्थिति में ही वो भगवान के अधीन है, नियंत्रण में है। इसमें वो स्वतंत्र नहीं है कि मैंने भगवान के निर्देश को रिजेक्ट कर दिया और तो मैं भगवान से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं अपना स्वयं स्वतंत्र हूं, ऐसा नहीं है। चाहे जीवात्मा भगवान की निर्देशों को, उपदेश को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, स्वीकार करे तो भी वो भगवान के नियंत्रण में रहेगा, अस्वीकार करेगा तो भी भगवान के नियंत्रण में रहेगा। उनकी स्वतंत्रता इतना ही है कि वो इसमें चुन सकता है, स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, ये स्वतंत्रता उनको दी गई। ऐसा नहीं भगवान ने कहा तुमको स्वीकार करना ही होगा मेरा निर्देश को, नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं किया। यह इतना स्वतंत्रता उसको, अगर ऐसा करते तो हमारे कोई दुख ही नहीं रहता। अगर भगवान हमारे लिए ऐसा रूल बना देते कि मेरा निर्देश को एक्सेप्ट करना ही होगा, ऐसे ही यही तो हमारे प्रॉब्लम हो गया। ऐसा रूल भगवान ने किया ही नहीं। क्यों?
क्योंकि हम भगवान के अंश है ना, भगवान में विशेषता है, स्वतंत्रता है, वो चुन सकते हैं, वो जो भी हो चुन सकते हैं। वही गुण हमारे अंदर आया कि हम चुन सकते हैं, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिकार जीव में है। पर चाहे वो निर्णय कोई भी लो, हर स्थिति में वो भगवान के नियंत्रण में है। तो जीव चाहे वो भौतिक प्रकृति को चुन सकता है या परा प्रकृति को चुन सकता है, अपरा और परा दोनों में से। तो चाहे वो परा प्रकृति को सिलेक्ट करे या अपरा प्रकृति को सिलेक्ट करे, दोनों स्थिति में वो भगवान के नियंत्रण में होंगे। यदि परा प्रकृति को चुनेगा तो परा प्रकृति द्वारा नियंत्रित होंगे, परा प्रकृति भी भगवान के नियंत्रण में है। अपरा प्रकृति को चुनेंगे तो अपरा प्रकृति के नियंत्रण में है, अपरा प्रकृति भी भगवान के नियंत्रण में। पर भगवान चाहते हैं, अब बात समझने की यह है, भगवान चाहते हैं कि वो परा प्रकृति के नियंत्रण में रहे, और जीव बौद्ध जीव चाहता है वो कृष्ण की तरह भोग करे, परा प्रकृति के नियंत्रण में रहेगा तो भोग नहीं कर सकता, यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। भगवान सदैव चाहते हैं कि जीव परा प्रकृति के नियंत्रण में रहे और उनके साथ वो जो शाश्वत संबंध, उस संबंध में रहकर वो सुख आस्वादन करे, यह भगवान चाहते हैं। पर वो स्वतंत्र रूप से सुख भोगना चाहते हैं, इसीलिए हमारी यह परिस्थिति यह हुआ है। तो भगवान ऐसे बौद्ध जीवों को पुनः दोबारा अपने पास, अपने परा प्रकृति में वापस ले जाने के लिए, भगवान अपने परा प्रकृति में जीवात्मा को वापस, पुनः वापस ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। पर हम ऐसा ही जिद्दी और नासमझ और बेवकूफ है कि भगवान के किसी प्रयास को हम समझने की प्रयास नहीं कर रहे। भगवान जीव के परा प्रकृति में वापस ले जाने के लिए इतना उत्सुक है, इतना उत्सुक है, पर जीव अपना क्षुद्र स्वतंत्रता के प्रभाव के कारण भगवान की इस इच्छा को बार 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 रिजेक्ट कर रहे हैं। जीवात्मा भगवान सदैव जीवों को अपनी यह इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मेरी परा प्रकृति में आ जाओ, मेरी परा प्रकृति में आ जाओ, तुम्हें शाश्वत सुख मिलेगा, असीम शाश्वत सुख मिलेगा। पर जीवात्मा बार बार उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, भगवान की इस विचार को, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और इसका कारण भी भगवान आगे बताएंगे क्यों जीव ऐसा कर रहे हैं। जब तक जीवात्मा इसको ना समझ जाए तब तक ऐसा करते रहेंगे। देवराज इंद्र भी एक बार सुअर का शरीर प्राप्त किया और सुअर के शरीर में जब वो रहा तो सुअर के शरीर को ही वो असली जीवन, असली सुख ये समझने लगा। नारद जी आए, उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं, तुम स्वर्ग के राजा हो, यहाँ क्या कर रहे हो, हैं ड्रेन में विचरण कर रहे हो। तो सुअर के शरीर में रहकर इंद्र ने कहा नहीं नहीं, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छा चल रहा है,
देखिए मेरे पत्नी कितनी अच्छी है, इतने मोटे मोटे मेरे बच्चे हैं, इस ड्रेन में कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, मेरा लाइफ कितने अच्छे चल रहे है। आप क्या बोल रहे हो, स्वर्ग कहाँ है, क्या है, क्या बकवास कर रहे हो? इससे अच्छा जगह कहीं और हो सकता है क्या? कितना अच्छा ड्रेन देखो, कितने इस ड्रेन में कितने अच्छा अच्छा भोजन मुझे मिल रहा है। अब नारद जी क्या करेंगे बोलो, नारद जी में तो सामर्थ्य है उनको ले जाने का, और बोल भी इनवाइट भी कर रहे हैं। ऐसा भगवान हमें बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने परा प्रकृति में वापस ले जाने के लिए। हम हर बार उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे, हर बार हर मोमेंट में भगवान हर मोमेंट में हमें कह रहे आ जाओ मेरे प्रकार प्रकृति में आ जाओ, पर हम उनके हर बार उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे। नहीं, ये बहुत बढ़िया है, मरीते चाहिना मी सुंदर भुवन, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता, है ना? कितना सुख मिल रहा है। तो जब तक इस भौतिक जीवन को कोई इसका असलियत जब तक अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इसको छोड़ना असंभव है। इस भौतिक संसार में कोई भी कार्य जीव आत्मा को आनंद नहीं दे सकता, कोई भी कार्य जीव आत्मा को आनंद प्रदान नहीं कर सकता। क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, वो भी बहुत दुख के परिणाम स्वरूप, बहुत दुख के बाद थोड़ी सी सुख प्राप्त हो सकता है। आनंद इस भौतिक संसार में किसी कर्म में, किसी भौतिक कर्म के द्वारा जीवात्मा को आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता। अब 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हमारे पास 3 मिनट टाइम है। य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार पुरुष एवं प्रकृति के गुण आदि के साथ प्रकृति को समझता है, तो यहां पर पुरुष का अर्थ परमात्मा या जीवात्मा, बताओ। यहां पर पुरुष शब्द किसको सूचित किया जा रहा है? जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंत, यहां पर य एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः। इस श्लोक में पुरुष शब्द किसको सूचित कर रहे हैं, जीव को या भगवान को? किसको? अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जीव को संबोधित करें। यहाँ पर पुरुष शब्द द्वारा जीव को संबोधित किया जा रहा है। य एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः। इस प्रकार जीव आत्मा रूपी पुरुष और प्रकृति की जो क्या बोलते हैं, प्रकृति का जो विकार परिवर्तन आदि, प्रकृति के कार्यकलाप आदि, ये सब सह इनके साथ
जीवात्मा और प्रकृति की विकार के साथ, प्रकृति के कार्यकलाप के साथ जीवात्मा रूपी पुरुष का, ये दोनों का जो पारस्परिक संबंध प्रकृति और पुरुष, यानी प्रकृति और जीव का जो पारस्परिक संबंध, ये संबंध क्या है? अभी तक हमने जो चर्चा किया कि प्रकृति सारे कार्य कर रही है और ऐसा बेवकूफ बना दिया उसको, ऐसा बेवकूफ बना दिया, ऐसा मिथ्या अहंकार में डाल दिया कि वो कर रहा है, जबकि कर रहे हैं प्रकृति। ये जो जीव और प्रकृति में जो पारस्परिक संबंध को जो समझ जाता है, जीव और प्रकृति के ये जो पारस्परिक संबंध, वास्तव में जीवात्मा कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति कर रहा है, और वो सोच रहे मैं कर रहा हूं, मेरी कार्य है, मेरा वो है, ये जो दोनों के जो पारस्परिक संबंध, इसको जो समझ जाता है, सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते, ऐसे व्यक्ति जड़ जगत में, इस भौतिक प्रकृति में रहने के बावजूद वो दोबारा भौतिक प्रकृति में नहीं आएगा, एक बार अगर समझ जाए। तो 24, 25, 26 ये तीन श्लोक में प्रकृति और पुरुष संबंधित जो ज्ञान भगवान ने बताया, प्रकृति और जीव से संबंधित जो ज्ञान, प्रकृति जीव और भगवान से संबंधित जो ज्ञान भगवान ने अभी बताया, अब 24, 25, 26 ये तीन श्लोक में उस ज्ञान का परिणाम क्या होता है वो बता रहे हैं। 24, 25, 26 प्रकृति जीव और भगवान में पारस्परिक जो संबंध, इस विषय में जो ज्ञान भगवान ने दिया, क्या ज्ञान दिया? जीव सारे कार्य कर रही है, प्रकृति जीव प्रकृति को भोगना चाहता है, इच्छा कर रहे हैं, और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान अनुमोदन कर रहे हैं, उन्हें भौतिक शरीर प्राप्त हो रहा है, प्रकृति के गुण के संग के अनुसार उन्हें अलग अलग शरीर प्राप्त हो रहा है, और भगवान उसी शरीर में रह रहे हैं उपद्रष्टा अनुमंता के हिसाब से, और भगवान चाहते हैं कि जीव परा प्रकृति के अंडर में आ जाए, पर जीव बार बार उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये जो सारी बातें भगवान ने बताया इन श्लोकों में 20, 21, 22, 23 चार श्लोकों में भगवान ने प्रकृति और पुरुष संबंधित ज्ञान बताया। अब 24, 25, 26 ये तीन श्लोकों में उस ज्ञान लाभ करने वालों का परिणाम क्या होता है बता रहे। जो पुरुष प्रकृति पुरुष के पारस्परिक संबंधित जो ज्ञान, ये जब कोई प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है, समझ जाता है, तो उसका क्या परिणाम मिलता है, वो परिणाम क्या है? 24, 25, 26 तीन श्लोक में भगवान उसका परिणाम बता रहे। 24वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो और जहां पर हो, पर इस ज्ञान को अगर वो अनुभव कर लिया, रियलाइज कर लिया, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, यह है परिणाम। फिर 25वें श्लोक में भी परिणाम बता रहे, 26वें श्लोक में भी इस ज्ञान प्राप्ति का परिणाम बता रहे। ठीक है, तो हमारी समय समाप्त हो गया, मैंने 12-13 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आप लोगों का। हरे कृष्णा। तो आप लोग 26 श्लोक तक पढ़ लीजिएगा, मैं 27वें श्लोक से नेक्स्ट क्लास करूंगा। बता दिया अगला तीन श्लोकों में प्रकृति पुरुष संबंधित ज्ञान प्राप्त करने वालों का परिणाम, ये तीन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रभु जी, शांत रहो, एंड करते हैं प्रभु जी। हाँ।